और वाकई में वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मैं बहुत साल से कोचिंग ले रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े मैंने मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोचेस के साथ बहुत सारी क्लासेस मैंने ज्वाइन की है, और बट मेरा ये उन्नति का एक्सपीरियंस बहुत एंटायरली डिफरेंट था, क्योंकि जो मैंने पहले कोचिंग से जो मैंने क्लासेस अटेंड की थी वो सिर्फ एक ऊपर लेवल पे थी, उसमें कोई डीपर लेवल की नॉलेज नहीं होती थी, उसमें सिर्फ एक एक्साइटमेंट होती थी थोड़ी देर के लिए, और जब घर वापस आते थे तो एक्साइटमेंट एक दो दिन में खत्म हो जाती थी, क्योंकि उसमें सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन के काम तो दिए जाते थे, जो 5-6-7 हम लोग सुनते हैं, जो है बिल गेट्स का एग्जाम्पल और मार्क जुकरबर्ग का एग्जाम्पल इस तरह के, या ओला उबर, इस तरह बड़े बड़े एग्जाम्पल जो हमारी लाइफ में कहीं अप्लाई नहीं हो सकते, एक्साइटमेंट जरूर मिल सकती है, मोटिवेशन जरूर मिल सकती है, बट हम उसको अपनी लाइफ में नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो एक दो दिन या 5 दिन के बाद वो एक जोश ठंडा हो जाता था। पर जैसे ही मैंने ये उन्नति का ज्वाइन किया, जबकि ये फ्री था लॉकडाउन की वजह से, बट उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से इसको डिफाइन किया हुआ था, और एक टीम वर्क था। नॉर्मली मैं कभी भी कहीं कोचिंग लेने जाता तो एक कोच होता है, वो हर रिस्पेक्ट पे बात करता है, बट उन्नति में सबसे अच्छी बात ये थी कि बहुत अच्छे से डिवाइड किया हुआ था हर चीज को। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर उनका कोई भी प्लानिंग का और फाइनेंस का था, तो वो एक सुनील पांडे थी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लगी मुझे, तो बाई प्रोफेशन में सीए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा तरीका था उनका समझाने का। अगर मार्केटिंग की बात करें तो समरा तनेजा मैम थी, उन्होंने बहुत तरीके से समझाया एक एक चीज को, तो हर आदमी की अपनी ड्यूटी थी उसमें। एक रवि सर थे, तो रवि सर का भी अपने सेशन थे, तो वो मार्केटिंग में बहुत अच्छे से समझाते थे, और श्याम तनेजा सर वो तो मेन लीडर मेंटोर है ही है, तो बहुत ही एक्सपीरियंस हैंड लगा मुझे श्याम तनेजा जी का, जो बोलने का तरीका था और जो उनके पास नॉलेज थी वो बहुत ही अप्रिशिएट करने की वाली थी वो, तो इसलिए ये बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस रहा मेरा औरों से, जितना मैंने और जगह सीखा है, वहां से भी कुछ ना कुछ सीखा, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा, बट यहाँ पे बहुत कुछ सीखा, बेसिकली पता चला कि बिजनेस ट्रेनिंग बिजनेस कोचिंग होती क्या है, तो ये मेरे ख्याल से मेरी लाइफ में भी बहुत काम आएगा, और एक तो स्टाफ की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है ये मैंने काफी अच्छा सीखा, तो ये मैं अपने बिजनेस में जरूर इसको लगाऊंगा, और खुद की भी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, कहाँ कहाँ पे हम गलत होते हैं और हम स्टाफ को समझते हैं कि वो गलत है, ये उन्होंने बड़े अच्छे से समा मैडम ने शांत तनेजा जी ने मेरी आंखें खोली है, और हम सबकी जितने भी हम लोग ज्वाइन कर रहे थे कहीं ना कहीं हम अपनी गलती नहीं मानते और सब बार अपने स्टाफ को ही टोक देते हैं, तो ये चीज मैं अपने उसमें बिजनेस में जरूर इसको